बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम बनाएंगे थोड़ी डिफरेंट और बहुत ही मज़े की रेसिपी। आज हम बनाएंगे चाइनीज ब्रेड पकोड़ा। बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें कुकिंग वर्ल्ड को और साथ में दिए गए आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको डेली एक नई रेसिपी और एक नई टिप मिल सके। ये मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर प्याज लिया और इसे चॉप कर लिया। 2 टेबल स्पून टमाटर लिए, 1 टेबल स्पून सिरका लिया, 1 टेबलस्पून सोया सॉस लिए और 1 टेबलस्पून चिली सॉस लिए और 1 टेबलस्पून केचप लिए। और ये मैंने ब्रेड लिए, ये 3 स्लाइसेस हैं। इसके अलावा मैदा लिए, आप मैदे की जगह बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी बंद गोभी लिए और थोड़ी सी शिमला मिर्च लिए। सबसे पहले हम ब्रेड को पानी में डिप करेंगे और अच्छे से निचोड़ लेंगे, क्योंकि पकौड़ों के लिए हमें इस तरह की ब्रेड चाहिए। अब हम बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। इसमें ज़्यादा खुशक मसाले ऐड नहीं होंगे। ये मैंने नमक डाला है 1 टेबलस्पून और दड़ा मिर्च डाली है 1 टेबलस्पून और चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पकौड़ों का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम पकोड़े बनाएंगे। हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे और इसका कलर लाइट ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। पकोड़ों का कलर लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। गैस, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली एक नई रेसिपी और एक नई टिप मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। और चलते हैं आज की टिप की तरफ। चीकू फल का नाम तो आपने सुना ही होगा। चीकू में विटामिन ए मौजूद होता है जो कि आंखों के लिए बहुत ही मुफीद है।